आप बस खुश रहिए। उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा लड़का ढूंढकर आप जल्दी से शादी कर लेंगी और खुश रहेंगी। शट अप, बस करिए आप। मैं जिंदगी में किससे शादी करूंगी, वो लड़का अच्छा होगा नहीं होगा, उसके बारे में कमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको। सही कहा, सही किया आपने। इसी तरह बेइज्जत करना चाहिए मुझे? नहीं नहीं, बेइज्जती क्या होती है ना, ये आपको पता ही नहीं है। आपके घर में जो हुआ था ना, वो थी बेइज्जती। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है आप में, पर ना आप वहाँ पे कुछ बोलते, और अगर आपने वहाँ पे पलट के जवाब दिया होता ना, तो मुझे पता चलता कि आप में सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, और अकल तो है ही नहीं। कौन सी बात कहाँ कर रहे हैं आप? देखिए, आप खुद देखिए, आप मेरे परिवार में किसी से इस तरह बात करती नहीं करती, लेकिन मुझसे करती हैं। आप जानती हैं क्यों? क्योंकि मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पाया। और अब मीनू एकदम से परेशान है छोटौन की बातें सुनकर। हमेशा अपने आप में ही हीन भावना पैदा करके बैठा रहता है। हमारे परिवारों के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इज्जत है, प्यार है, और मैं मानता हूँ मेरी वजह से रिश्तों में दरार आई। आप मेरे दादा, मेजदा, इन सबकी इज्जत करती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं, लेकिन आप मुझ जैसे इंसान को बीच सड़क डांटती हैं। करी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बुरा नहीं मानूंगा। और क्या है ना, अब आपके बाकी टीचर्स और स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन कुछ देर में जब स्कूल छूटेगी तो सब आ जाएंगे, और मैं नहीं चाहता आपको उनके सामने मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। हाँ, बाकी आपने कहा था कि आप स्कूल के बाद घर वापस आएंगी, मैं बाकी सबसे कह दूंगा। सुनो, क्या अब आप घर वापस नहीं आएंगे? और अब मीनू और भी परेशान दिखती है छोटौन की वही वही बातें सुन के। अपने आप ही सब कुछ बोल बैठता है, जो सोचता है जैसा सोचता है वही बात बोल बैठता है। ठीक है, मैं कह दूंगा सबसे। नहीं, बात करनी है मुझे। जी कहिए। एक नंबर के बुद्धू हैं आप। अभी समझ आया आपको, या पहले कह नहीं पाई? आज मौका मिला है इसलिए कह रही। और भी अगर कुछ फीलिंग्स हैं आपके मन में मेरे लिए तो कह सकती हैं आप, या नहीं कह पा रही हैं तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं पढ़ लूंगा, और वादा करता हूं कोई जवाब नहीं दूंगा। जो कुछ भी आप कहेंगी ना, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगा। पक्का? तो मेरी एक बात सुनिए। और अब छोटौन से आखिर क्या कहने वाली है मीनू, जिसके लिए पहले से ही हाँ भर दिया है छोटौन। अब आप करस्पोंडेंस से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे। हंस क्यों रहे हैं आप? जोक नहीं मारा है मैंने। देखिए, ये आपका सोशल वर्क है, आप शौक से कीजिए, पर मुझे इससे थोड़ा दूर रखिए प्लीज। तो आप मेरी बात नहीं सुनोगे? कैसी बात कर रही हैं आप? अब इस उम्र में मैं ग्रेजुएट बनकर क्या कर लूंगा, कौन से पर निकल आएंगे मेरे? ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर भी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, समझे? पर मैं इतनी मेहनत क्यों करूंगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ। और अब तो कुछ तो हुआ है दोनों के बीच, तभी तो आज आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे में डूबे हैं छोटौन और मीनू। देखिए, अभी जोर जोर से आई लव यू कह रहे थे ना, तो प्रूव करिए ना उसे। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ। हार जाऊंगा मैं, एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाऊंगा, और लोग दोबारा फिर से वही। मेरे कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करोगे तो पास भी होगे। मैं हेल्प करूंगी आपकी। क्यों, मुझसे पढ़ेंगे तो स्टेटस गिर तो नहीं जाएगा आपका? स्टेटस, ये क्या होता है? देखिए छोटू, मैं कभी बोलती नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपसे भी बहुत अच्छी चीजें सीखी। आप हमेशा अपनों के लिए खड़े रहते हैं, जब भी उनको जरूरत होती है तो आप उनके साथ होते हैं।
मुझे आपको पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मेरी कोई ईगो हर्ट नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर आपको मुझसे पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो तो, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो हम दोनों एक ही पोजीशन पे आएंगे, फिर आपको मेरी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब छोटौन मीनू की हर बात को गौर से सुनता है। ये क्या मांग कर ली है आज मीनू से? मैंने जो कहा वो याद रहेगा ना? मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ मीनू। अब नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा मतलब? नहीं जाओगे, और सिर्फ कोलकाता छोड़ के नहीं, और अभी भी आप यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। आपको जो भी काम करने हैं आप करके आ जाइए, मैं अपने काम से फ्री हो जाऊंगी तो आपको फोन करती हूँ। आपके घर हम दोनों साथ में जाएंगे, याद रहेगा ना? बाबा, हेडमिस्ट्रेस की तरह डांट रही हैं आप मुझे, मेरी क्लास लगाती आपने, और कहाँ जाऊंगा मैं यहीं थोड़ी देर टाइम पास कर लूंगा, आप फ्री होकर आइए। आती हूँ। और अब छोटौन देखता है मीनू को जाते हुए भी, और सोच में पड़ जाता है कि अब इस उम्र में भी मीनू उसका साथ और हाथ दोनों थामने के लिए तैयार है। मर्यादा तो कोई इसे कहते हैं। तो क्या आप छोटौन मीनू की हर कही बात को मानेगा? देखते रहिए और बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां से हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं झनक की सारी अपडेट्स।